जगरानी विद्यालय बाराद्वार के प्रतिनिधियों के द्वारा यह सम्मान दिया जा रहा है और इनके द्वारा अयोध्या धाम में भी। अब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और ये जो समय है यही उत्तम समय है, यही सही समय है और इस समय को खाली नहीं जाने देंगे और राम मंदिर के इस निर्माण के बाद इस भव्य दिव्य अयोध्या के में श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर निर्माण के बाद आखिर आगे क्या, इस सवाल पर भी बहुत खुले मन से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि ये एक तरह से कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है 22 जनवरी 2014 लेकिन बल्कि ये एक नए कालचक्र का उदय है और ये सकारात्मक है, ये हमें प्रेरित करता है, ये हमें आगे की ओर ले जाता है कि इस तारीख को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों तक इस तारीख को याद रखा जाएगा, इस दिनांक को याद रखा जाएगा क्योंकि ये कालचक्र है और यहाँ से भारत जो है एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। उन्होंने एक सर्व समाज की बात कही, उन्होंने कहा विनय की बात कर रहे हैं तो इस जो रामलला की जो मूर्ति है इसमें विनय का भाव, सौम्यता का भाव जो है वो साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही आज कि रामलला टेंट में थे और अब महल में पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच, टेंट के बीच में रामलला को रहना पड़ता था। वहां पर सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे और उन्होंने थे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था और वहां पर रामलला रहे थे और आज वो रामलला जो है एक महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला को और रामलला को का स्थान यही था, यही रामलला को विराजित होना था और आज रामलला 500 साल की तपस्या के बाद यहाँ पुनः विराजित हो गए और ये कुबेर टीले पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। ये जो पूजा अर्चना का काम का जो पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपसे की ये तस्वीरें हैं, इसको हमने आपको लाइव भी दिखाया था और ये तस्वीरें कबीर का टीला की हैं, जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल कि ये एक तकरीबन 100 फीट ऊंची जगह है और श्री राम अयोध्या धाम में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जो आपने कहा कि श्री राम ही नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवता विराजमान जी, इसका एक बहुत अलग महत्व ये भी है कि ये ऐसा माना जाता है इस कुबेर के टीला के बारे में कि जब राम जी यहाँ पर खेलते थे, जब राम जी यहाँ पर रहते थे तब भी ये मौजूद था और इसके बाद इस कुबेर के टीले पे महादेव का तो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है राम मंदिर ट्रस्ट ने, बल्कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, माता पार्वती की प्रतिमा है, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर जी स्वयं यहाँ पर और 9 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस कुबेर के टीले का बड़ा ही महत्व है। पुरातन काल में भी जब भव्य राम मंदिर हुआ करता था पहले, तो उस दौर में भी जो है कुबेर के टीले का एक खास महत्व था और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे और इसी कुबेर के टीले पर जटायु राज जी भी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आपने दो बातें कही, उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि भगवान राम की जो प्रतिमा है ये सौम्यता और विनय भी दर्शाती है और भगवान राम का जो चरित्र है वो उदात्त है, सौम्य है, दिव्य है, भव्य है और पराक्रमी भी है। बिल्कुल, तो जो सौम्यता और पराक्रम का अद्वितीय रूप है वो भगवान श्री राम का रूप है। और आपने दूसरी बात जटायु की बात कही, जटायु का टीला है, जटायु की तस्वीर का अनावरण कर रहे हैं उस प्रतिमा का। ये देखिए कितनी भव्य ये मूर्ति है और निश्चित तौर पर जटायु, गिद्धराज जटायु आज भी याद किए जाएंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जानते थे कि वो महाबली रावण के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके घर, उसके बावजूद यहाँ तुलसीदास जी का हमें जिक्र करना जरूरी है, जो उन्होंने जटायु के पूरे चरित्र का वर्णन किया है। जब जटायु सीता हरण को रोकने में भले नाकाम हो गए लेकिन अपने प्राणों का जो उन्होंने बलिदान दे दिया और जब घायल अवस्था में थे और जब राम उनसे मिलने पहुंचे तो राम पूरे रामचरितमानस में जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है वो बड़ा ही सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही, तिन्हू कहूं जग दुर्लभ कुछ मनाही, तनु तीज तात जाहू मम धामा, देहू काह तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव भीना संवाद जो है
प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए इस तरह का आत्मोत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों तक, सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि प्रधानमंत्री जटायु राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रसंग का वर्णन किया गिद्धराज जटायु और भगवान श्री राम के उस प्रसंग का, वहाँ और भगवान राम के जब पराक्रम की बात कहते हैं जी, तो एक प्रसंग ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के गोद में था और वो उनके सर को सहला रहे थे और वो अंतिम सांसें गिन रहे थे जटायु। ये देखिए ये दिव्य तस्वीरें ये भी जाएंगी क्योंकि ये जो श्रमिक पत्थर है जो ये जी ये श्रमिक है, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री भारतवासियों से अलग करती है, ये भाव बताता है जो नीम के पत्थर हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जो इस तरह से मेहनत की है और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नींव के पत्थर हैं। और ये श्रम देवता हैं। हम दूरदर्शन पर भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के जी। और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे थे, गाँव में इनके पैर लोग छूते थे। तो ये अपने आप में जो है सिर्फ श्रमिक नहीं है, श्रमवीर है, ये असली राम भक्त है जिनकी मेहनत पर राम मंदिर खड़ा हुआ। प्रखर इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है। और सच में ये एक जो चलन और ये जो भाव जिसमें कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने एक नया रूप दिया है। अगर हम ये कहें त्रेता युग में जैसे वानर सेना थी जी, त्रेता युग में जो कार्य वानर सेना ने किया ठीक उसी तरह से ये इस युग की जो है ये श्रम सेना है, श्रम सेना है, श्रम सेना है। पर कहा और इस मंदिर के दुसाध्य मंदिर के निर्माण में जिस तरह से इन श्रमवीरों का योगदान रहा है उसको अलंकृत करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प गुच्छों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, और ये निश्चित तौर पर ये उनका जो एक भाव है ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला। और निश्चित तौर पर ये जो श्रमिक है वो अपने आप को बहुत धन्य और महसूस कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंटरव्यू एक श्रमिक का देख रहा था तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो मुझे यहाँ से जो भी मुझे पैसा मिला है श्रम करने के बदले वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही मैं दान करके चला जाऊंगा, तो वो महादान है। जी जी, एक श्रमिक जिसने जो पूरी कमाई की इस मंदिर के निर्माण के दौरान, वो समस्त कमाई अपनी समस्त आय अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है, मैं मानता हूँ कि वो सबसे महान दान है। और वो इन श्रमिकों ने करके दिखाया है श्रमदान के माध्यम से भी और अपनी भावनाओं के माध्यम से। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो ये जो दृश्य है ये अभूतपूर्व है, ये दरअसल इसको कहा जाए कि ये दृश्य भी आंखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन्होंने गढ़ी दरअसल वो जो इस राम के पूरे मंदिर को साकार जिन्होंने किया, इस जन्मभूमि के मंदिर को कितने कम समय में और कितना भव्य दिव्य मंदिर है, उस हिसाब से निश्चित तौर पर ये जो श्रमदेव हैं ये तस्वीरें मुझे लगता है कि पहले हम कभी नहीं देखते थे। भारत में और भी निर्माण हुए हैं, देखिए इस तरह से श्रमवीरों का सम्मान करना ये बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। हमने हर जगह पे देखा, हमने प्रगति मैदान का जब निर्माण हुआ, भारत मंडपम बना, उसके श्रमिकों के साथ बातचीत की, काशी विश्वनाथ को भी हम देख लें, हम देखते हैं सफाई कर्मचारी जब जो थे उनके जिस तरह से चरण धोए थे प्रधानमंत्री ने, तो ये एक बहुत अच्छी अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। हाँ। और ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा देती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, अन्यथा लोग जिस तरह का व्यवहार विचार रखते थे उसके उलट है। और अब ये भाव सामने आ रहा है, विश्वकर्मा का रूप, विश्वकर्मा है, ये असली विश्वकर्मा। इनको बताइए, ये देखिए ये भव्य दिव्य मंदिर जो आंखों में समा लेने को जी चाहता है, दरअसल इन्हीं विश्वकर्मा ने, इन्हीं श्रमवीरों ने, इन्हीं श्रम देवताओं ने बनाया है। और निश्चित तौर पर उनके ऊपर अगर प्रधानमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो ये उनकी बड़ा काम है, उदारता भी है। और सभी को मैं कहता हूँ कि इसको सभी को जो राजनीतिक नेतृत्व है और भी उनको भी इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे श्रमवीरों को पुष्प वर्षा करता है तो कितना आह्लादित महसूस करते हैं, कितना वो प्रेरित महसूस करते हैं, ये बात समझने की है।
बहुत शानदार दृश्य हैं, मन को विह्वल करने वाले दृश्य हैं, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, अभी कभी कुछ श्रमिकों से बातचीत भी की थी हमारे डीडी न्यूज पर भी वो बातचीत दिखाई गई थी। कई श्रमिक ये कह रहे थे कि उनका मन इतना रम गया है यहाँ पे कार्य करते करते कि अब वो अयोध्या से जाना ही नहीं चाहते, सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ अन्य कार्य करना शुरू कर दें। जी, तो ये जो असली राम भक्त है, ये नींव के पत्थर है। जब भी मंदिर बनता है हम कलश की तरफ देखते हैं, लेकिन वो नींव जिसने आज जिसके भाषण के दौरान जी जिसके हाथों ने ये निर्माण किया, जिसे करकंदों से निर्माण किया है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब जब इस मंदिर का जिक्र होगा, इसके निर्माण में लगे इन श्रमवीरों को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जी निश्चित तौर पर, जब बात इन श्रमवीरों की होगी, इस मंदिर की होगी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक एक शिलालेख इसमें जो है, जो एक एक शिला है, दरअसल जो एक एक पत्थर है, वो इन्होंने इसको गढ़ा है, ये इसके शिल्पी हैं। बिल्कुल, अगर मैं कहूं तो ये आधुनिक युग के नलनील हैं लोग। हाँ बिल्कुल, और आप जो राम सेतु के निर्माण में जो वानर सेना लगी थी, तो नलनील ने जो जिस तरह से तैरते पत्थरों का पुल बनाया था, ये आधुनिक युग के नलनील हैं। प्रखर, एक एक बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही कि जब कोई व्यक्ति अपने को छोटा समझता है कि मैं तो बड़ा असाधारण हूँ, मेरा क्या योगदान, तो गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं ये प्रसंग भी है। और जो आपने नलनील से तुलना की, वो भी निश्चित तौर पर इस बात की को प्रमाणित करती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन श्रम वीरों का, इन श्रम साध्य जीविकों का जी। एक का अभिनंदन किया है, वो अभूतपूर्व। जी हाँ बिल्कुल, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो मन में सवाल उठा था कि इतने दूर तक, लंका तक ये राम सेतु कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। और ठीक उसी तरह से जब